ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो तीन बार हमारा वीर्यनाश एक ही दिन में हुआ था, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ था, उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर। मेरे प्रिय बंधु, अगर बल के ऊपर देखा जाए, बल के विषय में सोचा जाए, तो आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वो व्यक्ति हमें पंजे में पटक दिए जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पंजे में पटक सकते हैं। ये समझने का प्रयास करिए। इसी वीडियो में आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा जो ऐसे ऐसे लोग जो देखने में सिर्फ और सिर्फ फूले हुए ऐसे लोग, जो कि हमें लगता था कि फूले हुए व्यक्ति निश्चित ही हमें नहीं पटक सकते, तो वो तो ठीक है कि नहीं पटक सकते। जिस दिन वीर्यनाश हुआ हमारा मेरे प्रिय बंधु, उस दिन जो व्यक्ति हमें, दो व्यक्ति पटके और एक जो शेख था, वो तो हमने आपको अगले ही वीडियो में जो कल बताया था उन्हीं वीडियो में उनका चर्चा किया था। ये जानने का प्रयास करिए कि आज हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया और कल भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, दो दिनों में ही मेरे प्रिय बंधु, जो व्यक्ति हमें ब्रह्मचर्य जब खंडित हुआ था पटके थे, वो मात्र दो ही दिनों में हमें लगता है कि अब वो हमें नहीं पटक सकते। और ये कहने की बात नहीं, कल हमने पंजा लड़ाया भी उनके यहाँ, जो सबसे मजबूत व्यक्ति थे उन लोगों में, सबसे मजबूत, उनसे हमने पंजा लड़ाया, ना वो हमारा पटक पाए ना हम उनका पटक पाए। परंतु मैं पूर्ण रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दो महीने ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उन व्यक्ति को भी पटका जा सकता है जिन्हें हमने नहीं पटक पाया। और वो व्यक्ति बहुत ही बलवान मेरे प्रिय बंधु, जो कल हमने पंजा लड़ाया और वो हमें पटके हैं, वो लोग निश्चित ही उन व्यक्ति को टिका भी नहीं सकते। कम से कम हमें लगता है 1.5 मिनट तक ऐसे ही टिका रह गया, ना इधर गया ना उधर गया, बल्कि इधर मैं उन्हें ले आया लेकिन फिर वो उधर ले गए, लेकिन उठ गया तब तक हाथ लोगों का, कोई पटका नहीं गया। तो इन्हीं वीडियो में आप देखने का प्रयास करिए कि ये व्यक्ति, जो व्यक्ति देखने में लग रहा है कि वो हमें नहीं पटक सकते, फिर भी वो हमें पटके, ये देखने का प्रयास करिए। मेरे प्रिय बंधु, आप लोगों ने देखा, ये व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु हमें लगता है कि खसी बकरी मुर्गा मछली भी खाते होंगे, परंतु ये लोग यादव हैं और ये लोग काफ़ी मेहनती हैं। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भोदा फूल कर हो गए। मेरे प्रिय बंधु, 50 भैंस वो व्यक्ति अकेला संभालता है, 20 भैंस प्रतिदिन लगाता है अपने हाथों से। जो 20 भैंस लगाएंगे उनका हाथ कठोर नहीं हो जाएगा, परंतु कितना भी कठोर हाथ हो, कितना ही दूध घी हो, मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य पावर बिल्कुल ही अलग चीज। मैं आपको इन्हीं बंधु का पहले ये वीडियो देखिए, जो ये व्यक्ति जो फूले हुए हैं और हमें पटक दिए, जो कि हमें नहीं लगा कि पटक सकेंगे, परंतु वो व्यक्ति पटक दिया, तो ये देखने का प्रयास करिए ये किस प्रकार का व्यक्ति है। ये देखिए, चला पटक देवा करवाई तो हम चला मेरे प्रिय बंधु, आप लोगों ने देखा, ऐसे ऐसे व्यक्ति हमें पंजे में पटक रहे हैं, तो ये समझने का प्रयास करिए इसका महत्वपूर्ण कारण, 3 दिनों में 10 बार ब्रह्मचर्य खंडन, 1 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद मैं दोबारा उनके पास गया और वो लोग, वो तो बिल्कुल हमसे नहीं लड़ाए, परंतु जो लड़ाए वो सबसे मजबूत थे। मैंने उन्हीं को चुना, अपने से चुनना था कि जिनको चुनना हम कहें कि इन्हीं को उठाइए, तो जो सबसे मजबूत हमें दिखे वहाँ पर, ये समझने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु अत्यंत बलवान बना देने वाला, अत्यंत बलवान बना देने वाला, जिसे कहा जा सकता है कि पत्थर तो मेरे प्रिय बंधु काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति के आगे। देख नहीं रहे हैं आप कितने चाइना के हैं, कितने ऐसे लोग जो कि इतने मोटे मोटे पत्थर तोड़ देने, ईंटा तोड़ने की बात छोड़िए, तो वो कैसे हो पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नियम, संयम,
अनुशासन, वो लोग देखिए कितने अनुशासन के साथ रहते हैं, हम लोग बिल्कुल ही अनुशासन के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन बिना अनुशासन के साथ हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य जब से खंडित हुआ, मानसिक रूप से मैं बहुत ही नीचे गिर गया, बहुत ही नीचे गिर गया। और उसके बाद शारीरिक रूप से तो आप लोग देख ही रहे हैं शारीरिक रूप से क्या हाल है मेरे प्रिय बंधु। आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति गिर जाएगा, और हम स्वयं अनुभव किए हैं। जैसे कि रामायण जो कि हम जितने अच्छे से गा सकते थे उतने अच्छे से नहीं गा पाएंगे अगर ब्रह्मचर्य नाश होगा। कोई भी कार्य उतने अच्छे से नहीं किया जा सकता जितने अच्छे से आप कर रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन के समय, क्योंकि उस समय बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल मन एक जगह एकाग्र होकर कार्य करने में समर्थ है। और जैसे ही ब्रह्मचर्य नाश होगा मन भटकने लगेगा इधर उधर, बहुत ज़्यादा जंजाल हो जाएगा मेरे प्रिय बंधु, इतने विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं कहने की आवश्यकता नहीं, और गजब के गजब के विचार आएंगे। ऐसी बात है कि और ताकत की तो बात ही छोड़ दीजिए, ताकत तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता मेरे प्रिय बंधु। एक दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद मैंने वहाँ पर सबसे भारी आदमी को उठाया जो सबसे बलवान था। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हमारा ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ होता तो वो व्यक्ति स्वप्न में भी हमें नहीं लगता कि वो हमें पटक सकते, स्वप्न में भी मेरे प्रिय बंधु। और ब्रह्मचर्य नाश का महत्वपूर्ण प्रभाव यही है, इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित करने के बाद युद्ध में ना जाएं, नहीं तो मारे जाएंगे। पतले से पतला व्यक्ति मार देगा, क्यों मार देगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से कमजोर हो गए, आपको लगेगा कि ये हमें मार देगा, या फिर लड़ेंगे तो बराबरी हो जाएगी, या वो हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम जब लड़े उनसे तो हमें लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। और कल जब मैंने लड़ाया तो सबसे मजबूत को उठाया, और परंतु सोचना कि इन्हें पटकेंगे, और पटकने पर इतना तक ले गया था, लेकिन फिर उठा लियो, व्यक्ति बहुत बलवान, बहुत बलवान। और यादव हैं मेरे प्रिय बंधु वो लोग ज़्यादातर दूध घी ये सब, और सभी घरों में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी घर उन लोगों का है, कम से कम 20 भैंस, 25 भैंस, 50 भैंस ऐसे रखे हुए हैं वो लोग। तो उतना जब मेहनत करेंगे तो बलवान होना ही होना है, परंतु मैं उन्हें आप लोगों के समक्ष मेरे प्रिय बंधु ये निश्चित ही सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि 2 महीने बहुत दिन हो गए हैं, आज के आज, मतलब मात्र आज 2 दिन हुए हैं मैं उन्हें पटक सकता हूँ आज के आज, परंतु 2 महीने बाद 1 सेकेंड वो नहीं चलेंगे, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। और अपने तल बल पर नहीं, परमपिता परमात्मा और ब्रह्मचर्य के बल पर मैं ये बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड बस ऐसे लगेगा ऐसे गिर जाएंगे, देखिएगा आप, वीडियो भी बनेगा आप लोगों के समक्ष, वो वीडियो भी आएगा। और ये घमंड या फिर मेरे प्रिय बंधु बल का गर्व नहीं, ये परमपिता परमात्मा, यहाँ पर पूरा विश्वास है मेरे प्रिय बंधु। ब्रह्मचर्य पालन यहाँ पर जुड़ने के बाद 3 बजे उठने के बाद, 2 दिन 3 दिन मैं 3 बजे उठता हूँ, उसके बाद गजब की एनर्जी शरीर में, ये होता है मार दे ये टूट जाए मेरे प्रिय बंधु, इतना ताकत जैसे अनुभव होने लगता है परमात्मा की वजह से। तो यहाँ पर जो बल मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वेदों ने क्या कहा है, ये शारीरिक बल का देने वाला परमपिता परमात्मा है, आध्यात्मिक बल का देने वाला भी परमपिता परमात्मा है, और आत्मिक बल का देने वाला भी परमपिता परमात्मा है। इनसे बिना जुड़े मेरे प्रिय बंधु कोई भी बलवान नहीं बन सकता। बलवान बनने का अर्थ ये है कि जैसे देखिए आलाउदल बलवान थे, आलाउदल को देख रहे हैं कितने बलवान मेरे प्रिय बंधु, को एक हाथों से मार देना हाथी चिघाड़ कर तुरंत मर जाए, वहीं पर गिर जाए तुरंत। तो ये कुकुर कुत्ते और भेड़ की बात नहीं हो रही, हाथी मेरे प्रिय बंधु शेरों से लड़ जाने वाले आलाउदल। तो वैसे तो हमारे यहाँ बहुत से रणधीर हुए हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष बलवान हुए जो शेरों से भी नहीं डरे हैं, परंतु ब्रह्मचर्य पालन महत्वपूर्ण है उनमें। वो लोग भी ब्रह्मचारी थे, हम भी ब्रह्मचारी हैं, आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करिए अगर बलवान बनना है, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान के रूप से, या किसी भी रूप से मेरे प्रिय बंधु, किसी भी क्षेत्र में उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। ओम परमात्मने नमः।